हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, आप लोग देख सकते हो ये आदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 यानी ये यूपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ठीक है जारी किया गया मॉडल पेपर है। जी हमें दोस्त ये ऑफिशियली यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसे आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है मैं सीधे डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है। ठीक, तो चलो इसको मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कराता हूँ कि आप लोग का संस्कृत का ये मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का है, संस्कृत का आपका पेपर कैसे आएगा। काफी सारे लड़के संस्कृत लेते हैं और काफी सारे लड़के आर्ट लेते हैं, तो संस्कृत साइड से हैं जो संस्कृत सब्जेक्ट लिए है वही इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले आप लोग का, आप जानते हो संस्कृत में भी आपका 20 नंबर का MCQ रहेगा। ठीक है, संस्कृत में भी 20 मार्क का MCQ आएगा। तो इसमें 20 जो MCQ रहेगा वो 2 खंडों में मतलब विभाजित होगा। जो ये पूरा पेपर है ना संस्कृत वाला, ये तो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। और फिर जो खंड अ है जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो भी 2 उपखंडों में विभाजित होगा, और खंड ब जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे वो भी 2 उपखंडों में विभाजित होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आप लोग का पेपर आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देख सकते हो खंड अ, खंड अ के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ यानी वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये उपखंड क के अंतर्गत। उपखंड क में इसमें क यानी इसमें 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे उपखंड क में, ठीक है, और 10 ऑब्जेक्टिव उपखंड ख में रहेंगे। तो कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेंगे चलो इनको देख लेते हैं। देखो जो सबसे पहला और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो रहेगा, ये जो MCQ वो पैसेज बेस्ड रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ एक संस्कृत का पैसेज देगा। ठीक है, एक तरह से इसको आप गद्यांश बोल सकते हो। ठीक है, आपके गद्य वाले पार्ट से किसी भी मतलब चैप्टर से यहाँ पे दे सकता है गद्यांश। ठीक है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसका आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, आंसर दे दोगे सही सही तो आपको भाई वही 2 क्वेश्चन का 2 मार्क, ठीक है, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो आपका मतलब गद्य के किसी भी चैप्टर से यहाँ पे डायरेक्ट होगा, ये पैसेज बेस्ड नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो आप अगर आप अपने मतलब सारे गद्य के आपके संस्कृत में जितने भी चैप्टर हैं उसको मतलब अच्छे से पढ़े रहोगे तभी इस प्रश्न का आंसर दोगे। ठीक है, और इसका तो ये दोनों जो हैं ये तो ये इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, यानी इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है, बाकी आप अपना सारे चैप्टर से अच्छे से पढ़े रहोगे तो ये गद्यांश भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, इसका फटाक फटाक आसानी से उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 एक तरह से आपका गद्य से रहेगा। ठीक है, संस्कृत का जो गद्य वाला पाठ है। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 मतलब अब आपके अगले जो 4 प्रश्न रहेंगे वो पद्य वाले पाठ से रहेंगे, संस्कृत पद्य पीयूषम। ठीक है, संस्कृत का जो पद्य वाला पाठ है। तो ये कितने हो गए, 4, 3 और 4, 7 प्रश्न हो गए, और अगले जो 3 प्रश्न बचते हैं, ठीक है, वो आप लोग का जो मतलब थर्ड पार्ट है संस्कृत का, आप जानते हो कि एक रुक जाओ यहाँ पे आ जाता हूँ, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 8, 9 और 10 आप लोग देख सकते हो यहाँ तक, ये जो रहेगा आपका जो नाटक कौमुदी वाला पाठ है यहाँ पे, जिसको आप आंसू पाठ भी बोलते हो, ठीक है, उससे आपका रहेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार आपका 10 MCQ रहेगा। किससे किससे, आपके गद्य से 3 रहेगा, पद्य से 4 रहेगा, और जो आंसू पाठ है उससे 3 रहेगा। तो ये 10 शुरू में MCQ कुछ इस प्रकार के रहेंगे। उसके बाद उपखंड ख आ जाता है, मतलब यही खंड अ का ही उपखंड ख, यानी अगले अब आपके 10 MCQ। तो अब आपके जो 10 अगले MCQ होंगे, देखो ये आपके एक तरह समझ जाओ कि संस्कृत व्याकरण से होंगे। देखो जिसमें आपका यहाँ प्रतिहारों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ उच्चारण स्थान भी पूछा गया है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे देखो ये संधि से रिलेटेड, यहाँ भी संधि। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, ये विभक्ति रूप से विभक्ति पूछा है और वचन पूछा है। ठीक है, उसके अलावा यानी शब्द रूप, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये भी शब्द रूप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो ये नमामि यानी ये भी शब्द रूप से। ठीक है, शब्द रूप से कई सारे क्वेश्चन है। उसके अलावा लकार से, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका रूप और लकार पूछ रहा है। और यहाँ पे प्रतिदिन में समास हो गए, ये 19 और 20, समास से भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार अगले ये 10 प्रश्न होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर आपके 20 MCQ कुछ इस प्रकार के संस्कृत में आएंगे। क्लियर है,
उसके बाद चलो, उसके बाद हम लोग खंड ब में चलते हैं, वर्णात्मक प्रश्न। इसमें अब आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अच्छे से लिखना होगा। इसमें तो आपका एमसीक्यू ये सारा का सारा 20 था, तो इसका आंसर आपको केवल ओएमआर पे ही देना था, लेकिन इनका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। और इसमें भी मतलब ये दो पार्ट में ये उपखंड क ये लिखा है, खंड ब का उपखंड ये क होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत टाइपिंग है, ठीक है, उपखंड क, ठीक है। और एक नीचे आपको दिखेगा अभी उपखंड ख, मतलब ये भी जो खंड ब है दो पार्ट में बटा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित सभी प्रश्न अनिवार्य है, ओके। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये चार मार्क का प्रश्न रहेगा। क और ख देखो यहाँ पे दो गद्यांश दिया रहेगा, आपके गद्य के किसी भी चैप्टर से ये दे सकता है, और दोनों में से किसी एक का, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, क्लियर, जिसका आपको चार मार्क मिल जाएगा, बस केवल हिंदी में अनुवाद करना है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो सेकेंड प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो सेकेंड प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए, और ये चार मार्क का, और यहाँ पे तीन ठे ऑप्शन दिया हुआ है, क ख ग, तीन ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तीन पाठों का नाम दिया रहेगा, यहाँ से किसी भी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है, जिसका आपका चार मार्क मिल जाएगा। काफी आसान ये प्रश्न होता है, ठीक है, आप कर लोगे। उसके बाद देखो जो थर्ड प्रश्न रहेगा, थर्ड प्रश्न में भी आपके दो रहेंगे, क और ख। इसमें क्या रहेगा कि दो श्लोक रहेंगे, ठीक है, इनमें से किसी एक श्लोक का आपका आपका हिंदी में व्याख्या करना होगा, ठीक है, और यह चार मार्क रहेगा। काफी आसान है, ठीक है, काफी आसान है, अगर आप श्लोक समझ गए कि किस चैप्टर से है, ठीक है, और इसका अर्थ समझ गए तो भाई टाइम भी नहीं लेगा और आपको फटाक से चार मार्क मिल जाएगा, तो किसी एक का, दोनों में से। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, चौथा प्रश्न आपका सूक्ति से रिलेटेड रहेगा। देखो निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखो ये दिया है आपकी तीन ये सूक्तियां, और इसमें से किसी एक का आपको हिंदी में व्याख्या करना है। मैं आपको सूक्ति करवा दूंगा, ठीक है, मैं संस्कृत भी आपको पढ़ा दूंगा, देखना हमें मतलब 100% वो आपके एग्जाम में फंस जाएगा, और ये तीन मार्क का ये आएगा, क्लियर। उसके बाद देखो जो पांचवा प्रश्न रहेगा, पांचवा क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ये थोड़ा मतलब ये चार मार्क का है, और ये थोड़ा मतलब कठिन होता है, क्योंकि यहाँ अर्थ लिखना है। देखो यहाँ पे ये क और ख दिया है, दोनों में किससे किसी एक का आपको, ठीक है, दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ आपको लिखना है, लेकिन अर्थ किस भाषा में लिखना है भाई, संस्कृत भाषा में, हिंदी में नहीं लिखना है, तो थोड़ा ये कठिन प्रश्न हो जाता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं पांचों के बाद छह नंबर प्रश्न। छह नंबर प्रश्न क्या है, छह में आपका देखो क और ख दो प्रश्न रहेंगे। क के अंतर्गत आपका निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का आपको चरित्र चित्रण करने के बोलेगा, आपको तीन मतलब यहाँ पे दे देगा ऑप्शन, इन तीनों में से किसी एक का आपको किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना होगा, जिसका आपको चार मार्क मिलेगा। और उसके अलावा छह का जो इसमें ख वाला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, यानी तीन प्रश्न रहेगा, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा, ठीक है, जिसका आपको दो मार्क मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ये 25 मार्क का आई थिंक यहाँ तक आपका हो गया। अगला अब उपखंड ख की बारी आ जाती है, उपखंड मतलब क के बाद यहाँ उपखंड ख के बारी आ जाती है, और इसमें आपके 25 मार्क के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यानी छह के बाद अब ये सातवां प्रश्न होगा, सातवें का यहाँ पे देखो क। क प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देशा निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए, ओके। यहाँ पे हमें दे दिया है, और यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया है, नीचे देखो इसमें हमें विभक्ति का नाम बताना है, और ये दो मार्क, ठीक है, किसी निम्नलिखित पदों में से किसी एक में, ओके, तीन ऑप्शन दिया, इसमें से किसी एक को आपको मतलब कोई भी एक ले लो और उसमें विभक्ति का नाम बता दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, दो मार्क आसानी से आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद सातवें के ख में यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए, ओके। यहाँ पे देखो ये सारे शब्द दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक का आपको लेकर उसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, काफी ये भी आसान प्रश्न, और दो मार्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दो मार्क का देखो है, ओके। उसके बाद देखो जो आठवां प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, आठवां प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन, देखो ये वाच्य परिवर्तन भाई, ये वाच्य परिवर्तन देखो, अब आप वाच्य ना हिंदी में भी जुड़ चुका है नया टॉपिक, तो इसको मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा तो वही यहाँ भी काम आ जाएगा, और ये तीन मार्क का, एक दो तीन, यानी तीन प्रश्न है यहाँ पे, किसी एक का आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो कैसे करोगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आसानी से ये भी आपका संस्कृत वाला भी काम हो जाएगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। उसके बाद आठवें के बाद जो नौवां प्रश्न रहेगा, ठीक है, वो निहित वाक्यों में किसी
आखिर निहित तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें ये देखो आपका पांच स्टेप दिया हुआ है, इनमें से किसी तीन का आपको क्या करना है कि हिंदी में सॉरी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ओके, आप लोग बोलते हो ये हिंदी में है, अब इनको आपको संस्कृत में अनुवाद एक तरह से इनका करना है, और प्रत्येक प्रश्न का दो दो मार्क, यानी आपका मतलब तीन करते हो तो आपको छह मार्क मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, चलो अगला हम लोग देखते हैं दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न कैसा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा आठ वाक्यों में, वो भी संस्कृत में, और यहाँ पे आपको दे दिया है, यहाँ पे ये इतना टॉपिक दिया है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको आठ लाइन केवल लिखना है एक तरह से। ठीक है, और जो लिखना है निबंध वो संस्कृत में लिखना है। ये थोड़ा कठिन होता है लेकिन केवल आठ लाइन होती है इसलिए आसान भी हो जाता है, तो कुछ निश्चित होता है इसमें, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें आप याद कर लो आपका फन जाएगा। ठीक है, चलो जैसे ये सदाचार है, मतलब लगभग ज्यादा ये आता रहता है, पर्यावरण है ये बहुत ज्यादा आता रहता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 नंबर और अंतिम जो प्रश्न होगा वो 11 नंबर और अंतिम जो प्रश्न होगा वो क्या होगा कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और इतना शब्द दिया है आपके पास ऑप्शन है, इनमें से किसी दो को ही लेकर आप मान लो पहला ले लो और ये चौथा ले लो, या कोई भी दो का आपको क्या करना है कि संस्कृत वाक्यों में ठीक है प्रयोग करना है, तो जिसका आपको दो दो मार्क, दो प्रश्नों का दो दो मार्क यानी चार मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका उपखंड क और उपखंड इसमें ख, यानी जो खंड आपका ब है वर्णात्मक प्रश्न वाला, ये दो पार्ट में विभाजित है, एक में 25 मार्क का क्वेश्चन, एक में 25 मार्क का क्वेश्चन, यानी 50 मार्क के आपके यहाँ क्वेश्चन, और जो उपखंड मतलब क था एक तरह से, मतलब पहला वाला जिसमें 20 MCQ थे वो भी दो पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव कर दो पार्ट में बटे हुए थे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका एक तरह से मैं बोलूँ तो संस्कृत का पेपर, हमने पूरा एक तरह से यहाँ पे इसका एनालिसिस किया, देखा कि आपका ये संस्कृत का पेपर कैसा आएगा। आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, बाकी आप में से बताना कि आप में से कितने लोग संस्कृत पढ़ते हो, ठीक है कमेंट बॉक्स में। अगर जनसंख्या अच्छी रही भाई तो भी मतलब मैं संस्कृत आपको रेगुलर संस्कृत की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।